So hey guys, thank you for tuning into IDTV, and I just wanted to take out a few moments to thank you guys for all the support that I'm getting. And also मेरे को finally एक आइस ब्रेक करना था आप लोगों के साथ कि मैं YouTube पे क्यों नहीं आना चाहता था और मैं क्यों finally आ गया हूँ. उसके काफ़ी reasons हैं. तो मतलब main जो reason है that is damn family, and उसमें से भी अर्श एंड मानव. लाइक I've been here in Punjab since I guess 10 to 15 days now, and I also know that I was the only one के जिसका YouTube रह गया था एंड जो नहीं था एक्टिव YouTube पे. स्पेशल थैंक्स टू मानव एंड अर्श के उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट करा एंड मुझे समझाया कि अभी नहीं तो कभी ना कभी आना ही पड़ेगा. एंड ऑल्सो आप लोगों ने भी इतने DMs करे, इतने messages करे कि मेरे को आना ही पड़ा finally. एंड सो थैंक यू फॉर दैट. एंड ऑल्सो थैंक यू टू द होल डैम फैम जो इतना सपोर्ट कर रहे हैं और इतना ज़्यादा मेरे को मोटिवेट कर रहे हैं कि और अच्छी तरह, मतलब मैं और अच्छी तरह आप लोगों के सामने थोड़ा ओपन अप हो पाऊँ. एंड ऑल्सो आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर अ छोटी सी एक मोमेंट ऑफ माई लाइफ दैट आई थिंक दैट चेंज माई लाइफ समवॉट, लाइक दैट फ्लिप्ड माई लाइफ, लाइक कम्प्लीटली फ्लिप्ड माई लाइफ. 2 साल से मुंबई में था मैं, एंड आई वॉज डूइंग प्रोडक्शन, थोड़ा सा फ्रीलांसिंग प्रोडक्शन, एंड मेनली आई वॉज इन एन एक्टिंग कोर्स जहाँ पे मेरे को लगा था कि जहाँ पे मैंने पूरा 1 साल अपना एक्टिंग कोर्स में दिया है. एन इंसिडेंट हैपेंड दैट आई वेंट फॉर एन ऑडिशन एंड आई थिंक दैट आई डिड रियली वेल इन दैट ऑडिशन. एंड वाइल दे वर शॉर्ट लिस्टिंग द पीपल दे सडनली आज दे केम एंड आज मी इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोअर्स है, एंड आई वॉज लाइक 800 because I had a private account and I was never in all these things. So they said that okay you can go out. So I was like very heartbroken and very embarrassed ke aisa kyun, matlab mera audition agar main shortlist hua to main audition acha hi diya hoga but ye kyun unhone aisa kara. So I don't know, matlab I think it's a god's plan. It was something that I was lucky that time ke manav aur usi time Mumbai aaye the and hum saath rehna shuru hue the. तो आई केम बैक, अर्श एंड मानव एंड ऋषभ हम बैठे थे, तो आई शेयर्ड माई एक्सपीरियंस एंड आई वॉज हार्ट ब्रोकन एंड आई वॉज सैड ऑल्सो. सो आई स्टिल रिमेंबर मानव टुक माई फोन, ही लाइक ही सेड इसको अकाउंट को पब्लिक करो, एंड उसने मेरा इंस्टाग्राम लेके पब्लिक करा. फिर मुझे याद है अर्श मुझे टिकटॉक पे लेके आया जबरदस्ती एंड मेरे साथ फर्स्ट वीडियो बना के मुझे मोटिवेट करता रहा. एंड आई गेस इट्स आई हैव कम अ लॉन्ग वे. आई गेस अभी कुछ 8-9 साल, मुश्किल से 1 साल पुरानी बात है ये. And now that same casting agency like keeps on calling me twice or once a week for asking me for ads and all, and I just say no to them. So I guess that's an achievement for me. So once again I'll take out my time and I'll thank all of you guys for all the love. And ये मेरा पहला vlog है, तो बहुत गलती हो सकती है. So please guys थोड़ा प्यार देना. And I'll make challenge videos. I have a list of very crazy content, but I can only execute it after this COVID situation is more like under control and जिससे मैं travel कर सकूँ. And तब तक के लिए जो जो मेरे से हो पाएगा I'll give my best and I'll keep you guys entertained. So thank you all and love you all. Please keep loving me, supporting me, and please love Damn Fam and thank you for all the support. अब आप enjoy करो मेरा first vlog, which is my first time in Amritsar with my homies. So please have fun and do let me know in the comment section कि आपको और कैसे vlogs चाहिए and कैसी videos चाहिए and किस किस के साथ क्या क्या challenges चाहिए. I'm sure I'll be delivering everything you guys will demand. So thank you. आज का व्लॉग थोड़ा स्पेशल होने वाला है. गेस व्हाट, आई एम गोइंग टू अमृतसर दूसरी बात बिकॉज़ मैं हूं साथ में. ये बताना भूल गया तू. दूसरी बात बिकॉज मानव इज माय ब्रो फ्रॉम अदर मदर एंड लव हिम. दूसरी बात ये गाइस कि मैं अमृतसर फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, सो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम वी आर गोइंग ऑन अ रोड ट्रिप. अभी हम जा रहे हैं मिस्टर अर्श फैम को पिक करने एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग एट संकूस टू सरप्राइज हिम एंड ही हैज नो आइडिया कि हम आ रहे हैं. सो लेट्स सी हाउ ही रिएक्ट्स. एंड मेरे को तो बस अमृतसरी कुलचे खाने हैं यार. मैं भी काश खा सकता बट आई एम वेरी एक्साइटेड कि हम गोल्डन टेम्पल जा पाएंगे. अगर कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो तो, बिकॉज मेरे लिए, मैंने काफी बार बताया, मेरी सबसे ज्यादा फेवरेट प्लेस है वो मोस्ट पीसफुल प्लेस ऑन अर्थ. एंड एडी कभी नहीं गया तो एडी विल बी लाइक, एडी तो मेसमराइज हो जाएगा वो जगह देख के.
मेरी मॉम ने बताया था कि बहुत मतलब बहुत क्रेजी है और बहुत पीस मिलती है, तो मेरे को सच में जाने का बहुत मन था, तो फाइनली वो दिन आ गया जब हम जा रहे हैं, तो लेट्स सी क्या होता है। ओके स्टे ट्यून्ड गाइस। सो हम पहुंच चुके हैं अर्श के पास, ऊपर पहुंच चुके हैं हम। अर्श खड़ा है सिग्नल पार करके, आया मैं सिग्नल तोड़ ताड़ के। अर्श वेट फॉर अस ब्रो, जस्ट सेकंड, हम सिग्नल नहीं तोड़ सकते, रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट है पंजाब में, काफी स्ट्रिक्ट है। इट्स ट्रू। तो चश्मे की मैंने धूप चली गई यार। ओके गाइस, तो हम यहाँ से अर्श को पिक करके फिर सीधा जा रहे हैं सबवे। मुझे लगा हम अमृतसर जा रहे हैं। ब्रो बहुत भूख लगी है, रास्ते में कुछ खाना पड़ेगा। जलंधर में सबवे है हवेली में, तो बिल्कुल दे। फाइनली हम अर्श को पिक कर रहे हैं, बस गोदी में उठाने ही वाला हूँ मैं। कट से भाई, अब कैमरे पकड़ने वाले गोदिया में नहीं उठा सकते, ठीक है? समझाया नहीं तूने अभी तक? जब हम जा रहे हैं नहीं, पहले जा रहे हैं सबवे। ओके गाइस, तो आपने देखा ही होगा कि अभी तक एडी टीवी चल रहा था, बट एडी टीवी को टेक ओवर कर लिया, मानव वर्ष टीवी हो गया ये। और एडी टीवी को हमने बैठा दिया है ड्राइविंग टीवी पे, बिकॉज इनको क्या होता है, ये जब बैठते हैं ना दूसरी सीट पे इनका सिर दुखने लग जाता है, तो ये किसी और को ड्राइव नहीं करने देते, तो इट्स ओके, आप ड्राइव करो, हम थोड़ा फन करते हैं। एड हम जा रहे हैं सीधा पागल हो गया है, मतलब हमें एक्साइटमेंट शंकु से मिलने की, सबसे सबसे नहीं जा रहा, छोटी खुशियां रास्ते में आती रहेंगी, फिर ओके ये नहीं पता खुशियां बंद हो गई है। सब खुला हुआ था, विल गो एंड ईट। वैसे मेरा मन पता क्या था, हवेली खाने का, बट दैट इज नॉट पॉसिबल, सब तक लेट हो जाएगा। इट्स ओके, वापसी में आते हैं, विल गो टू हवेली। जैसे हम जा रहे हैं अमृतसर, खाने की तो मैं टेंशन ही नहीं है, वहाँ पे मटन खाऊंगा, चिकन खाऊंगा, अमृतसरी कुलचे खाऊंगा, चीट डे होगा। सो फाइनली हम पहुंच चुके हैं एंड लाइट चलेगी, चल बेल मार, लाइट से मारो, लाइट लाइट बेल मार, चल चल चल। ओह नो, सामान बात चेक किए, बच गया। तेरा व्लॉग है, पहली बार आ रहा तू। कोई है ले भाई, किधर 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 कौन है अंदर का? देखो शंकु ने हमें सरप्राइज दिया था, हमने अब शंकु को आगे सरप्राइज दिया, ये तो बाटा सिस्टम है। एंड यू आर ऑन एडी टीवी फॉर द फर्स्ट टाइम, ये तो भी आगे डल गया है। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे जाके फटाफट चैनल सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन भी दबाओ। पूरे रास्ते कुछ नहीं खाया, तो हम खाते रोटी, सबवे बनता तो अभी तक दर्द हो रहा है बहुत दिन में, खाते आ जाओ। Yes guys, तो फाइनली हम आ चुके हैं कुलचा खाने। स्पेशल शंकु की जगह है कोई, पहला ड्रिंक पहले आपका, ये सर, ये सर आपका, ये आप ही खा रहे हो? मैं ही खा रहा हूँ सिर्फ आपके, हम तो ये यहाँ पे रख रहे हैं, मैं एक और पड़ा ऑलरेडी, अब दो जो खाओ, जो एक मिर्ची वाले एक आलू वाला, 90 से 95 कैसे होगा? अब आपको खा के मिलते हैं ब्यूटीफुल कुलचे, बाय बाय। बंद करियो, वेलकम टू पंजाब, वेलकम टू अमृतसर। आप कुलचे खा रहे हो तो अमृतसर पे हो आप, प्लीज खा लो आके, एक बार मजा आ जाएगा। एंड गाइस, ये एडी का पहला व्लॉग है, सो इस पे कितने कमेंट्स बनते हैं मानव? देखो 10,000 तो कहीं नहीं जा रहे, बाकी अपनी अपनी मर्जी लगा लो। 10,000 कमेंट्स अगर ना हुए ना, मैं सच बता रहा हूँ गाइस, एडी ये चैनल अभी के अभी अभी आ चुके हैं हमारे साथ वसूली भाई उर्फ रूप। सो ये सबका बेस्ट फ्रेंड है एंड हमारा पबजी मेट है वसूली भाई, एंड बहुत मन था मेरे से मिलने का, सो फाइनली आ गए। देखना के वो खतरनाक, मुझे पूछना पड़ेगा, मैं न्यू हूँ भाई।
वेलकम बैक टू आई टीवी गाइस, एंड फाइनली वो दिन आ चुका है जिस दिन मैं पहली बार जा रहा हूँ गोल्डन टेम्पल। सो देखो मैं रेडी हो गया हूँ, एंड अभी अभी मैंने कुर्ता पजामा स्पेशल कुर्ता पजामा जो लिया है इसने, ऐसे नहीं जाऊंगा गोल्डन टेम्पल पहली बार, कुर्ता पजामा डाल दिया है। थोड़ा तो थोड़ा एथनिक वेयर पहनना था मुझे, जरूरी तो लग रहा था, इम्पोर्टेंट। एंड पीछे बैकग्राउंड में कौन खड़ा है, जल्दी भाग के इधर आ जाओ लाला। सो शंकु इज टेकिंग गुड केयर ऑफ अस, हम सबको बहुत घुमा रहा है एंड हम सब बहुत फन कर रहे हैं। तो अब हम जाने लगे गोल्डन टेम्पल, सो अब सीधा मिलेंगे गोल्डन टेम्पल में। ओह यस, वेरी एक्साइटेड, पहुंच चुके हैं हम। बैटरी रिक्शा राइड, पीछे शंकु और शारे दूसरे में, बहुत मैं सदियों के बाद रिक्शा में बैठा हूँ एंड इतना वाओ। हम मतलब मुंबई में रिक्शा में घूमते थे बट ये वाला रिक्शा काफी, बैटरी रिक्शा, बैटरी रिक्शा। अभी हम आ गए हैं वेरी नियर टू द गोल्डन टेम्पल, ये एक छोटी सी मार्केट है एंड मुझे यहाँ पे एक गाइड मिला है। सर आपका नाम क्या है? चंदू। चंदू सर अपनी शक्ल दिखाइए प्लीज। सो गाइड नहीं नहीं करो ना करो, ये परफेक्ट परफेक्ट यस। अब आप बताएंगे हमें, बताएंगे यहाँ पे क्या सीन है। ये देखो ये है अभी अमृतसर का फेमस बाजार जो कि बिल्कुल गोल्डन टेम्पल के साथ लगा हुआ है। एंड थोड़ी तेज बोलिए, व्यूअर सुनना चाहते हैं। आपके लिए बाजार देखो अभी आप चेक कर सकते हो, पूरा नया बना है प्रॉपर। देखो जैसे नीचे टाइले वगैरह, टाइले ये साथ में, ये देखिए कौन खड़ा है। आप जैसे पूरा आउटवर्क देख सकते हो, बिल्डिंग देख सकते हो क्या एक प्रॉपर वे में बनाई है। यहाँ पे जलियांवाला बाग भी है, जहाँ पे आप देख सकते हो जलियांवाला बाग है ना, पर ये बंद है अभी। हाँ ये रेनोवेशन हो रहा है, कोई मानव सब्वे भी है गाइस, सब्वे यहाँ मिल गया है हमें, पक्का वापस आते हैं आएंगे, सब कुछ मिलेगा सब्वे, मैकडॉनल्ड्स सब कुछ है, कैफे कॉफी। दिस इज लाइक अ न्यू वर्ल्ड। सो गाइस मैं स्नो वाइट बन चुका हूँ, आप देख लो ऊपर से नीचे तक व्हाइट। तो गाइस यहाँ पे अंदर हम ज्यादा शूट नहीं कर पाएंगे क्योंकि ज्यादा अलाउड नहीं है। यस गाइस अभी हम बाहर है, सो आई विल एंजॉय अंदर जाके थोड़ा पीसफुल थोड़ी देर बैठूंगा, कि काफी टाइम बाद हम सब घर से बाहर निकले हैं, थोड़ी पॉजिटिविटी चाहिए सबको लाइफ में, पूरी दुनिया को पॉजिटिविटी चाहिए, टाइम पे चाहिए रहती है। सात बजे पूरा बंद हो जाता है, सो टाइम पे एडी कड़ा, एडी का पहला कड़ा। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था एंड बहुत ही ज्यादा पीसफुल था, जो कि बहुत दिन से मेरे को बहुत मन था कि मैं आऊँ बैठू अंदर बैठे पांच मिनट आराम से आके बंद करके, एंड इट वाज वेरी वेरी पीसफुल एंड लाइक इट वाज वर्थ इट, द एक्सपीरियंस वाज वर्थ इट एंड आई रियली एंजॉयड, थैंक्स टू माय ब्रदर्स, थैंक्स तो बहुत ही मजा आया एंड मुझे बहुत पीसफुल लगा एंड बहुत बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही है मेरे को, घर जाते अलग ही खुशी हो रही है। So, यहाँ पे आके सबको पॉजिटिव वाइब्स आ रही है। ऑल थैंक्स टू दीस गाइस एंड मिलते हैं जल्दी। गाइस अभी बज रहे हैं रात के 2 एंड हमें हो रही थी थोड़ी मंचीज एंड हमारे दोनों मिस्टर एमएनवी एंड अर्शम बिजी है एडिटिंग में, तो हमने सोचा कि हम कुछ तो बना ही देते हैं उनके लिए भी एंड अपने लिए भी। सो शंकु व्हाट आर वी मेकिंग ब्रो? तो भाई आज हम बनाने जा रहे हैं पैनकेक्स। यस एंड वी हैव न्यूटेला विद अस राइट? यस। सो लेट्स सी कि कैसे डिजास्ट्रस पैनकेक्स बनते हैं। आज की वीडियो में बताया जाएगा कि पैनकेक्स को कैसे बनते हैं। काटो खोलो और लगाओ। उससे पहले हमको ढूंढना है पैन जो कि हमारा फर्स्ट मिशन है। यस मिल गया मिशन पैन, नॉनस्टिक पैन हमें मिल चुका है जिसपे पैनकेक्स रेडी होंगे। अब हमें इसका बैटर बनाना है। फाइनली ये ऐसा कुछ लग रहा है हमारा ठंडा पैनकेक। अब हम सबसे पहले ऑफर करेंगे मिस्टर एमएनवी को, बिकॉज बहुत सारी सेलिब्रेशंस ड्यू थी तो काफी ठंडा पैनकेक हो गया। इट वाज केप्ट इन द रेफ्रिजरेटर। ये बना के रहा रात को बहुत मेहनत करके। अच्छा जस्ट किडिंग है ना, इट इज मल्टी लेयर्ड। We don't know कितनी layers हैं, but sir
ये है आज की हमारी डिश. Bro, आप डाइट, you know? सुनो. This is for all the new celebrations जो रह गई है टाइम फैम के लिए, तो प्लीज खाइए. मायो ने भी खाया है. मीठा होना चाहिए मुंह आपका. ये जो चंदू बने हुए हो आप. ऐसी बात नहीं है, हर्ष बहुत देर से बैठा है, एडिट कर रहा है. एंड वी आर प्राउड ऑफ हिम. थैंक यू. कैसा लगा? देख ले इसकी बात. वही किचन में सोच रहा था. एक एक्सप्रेशन दे दीजिए. झटका लगा. So guys, finally time आ गया है वापस जाने का एंड व्लॉग खत्म करने का. फाइनली टाइम आ गया वापस जाने का और मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा है, पर जाना पड़ेगा बिकॉज अब थोड़े काम है. सो तू आ जाना हमारे साथ, चल लेगा. हम देखो ले चलते हैं. अभी थोड़े दिनों में आता हूँ फिर. पक्की बात? यस यस. डन डन. और सरप्राइज कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा यार. ऐसे सरप्राइज ना सब देते रहते हैं. एक काम करते हैं हम दोनों ना, ऐसे चंडीगढ़ और अमृतसर वाले ऐसे एक दूसरे को हफ्ते हफ्ते. हाँ, मेरी टर्न. डन हो गया. डन हो गया. अब तो थैंक यू संकू इतना अच्छे से ध्यान रखने के लिए हमारा. एनी टाइम. आओ गाइस, बाय बाय कर दो. ओके, सो हियर वी गो. ओके बाय. गोइंग बैक टू सोली. कम ऑन ब्रो, व्हाट्स अप? आर अमृतसर गैंग स्पेशली परना स्टार ऑफ अमृतसर पंजाब. क्रिस्टा वसूली. सुबह के 7 बजे है, सो बहुत ही हालत खराब है. तो यही बोलना चाहूंगा लास्ट में एडी के ब्लॉग के कि डू लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर. पहला वीडियो है तो प्लीज इतना शेयर करो. याद है ना 10,000 कमेंट करना पी बनना एडी का कुछ नहीं गाइस ना कुछ डिलीट होने वाला है. प्लीज गाइस सब्सक्राइब करो एंड एंजॉय करो एंड प्यार बांटते चलो. लव यू ऑल. थैंक यू. अब बोल कैसे बुली करते हैं यार. न्यू कवर को बुली करते हैं.